Good morning everyone and welcome to the class. Today we will do the chapter parties and party system in India. Because this is according to your revision test syllabus, revision test 8, paper 8, hai na? And this is the name of the chapter has changed. Previously the chapter is challenges to द कांग्रेस सिस्टम है ना. चैप्टर जो हमारा प्रीवियस चैप्टर है, जो ओरिजिनल बुक में चैप्टर है, दैट इज चैलेंजेस टू द कांग्रेस सिस्टम. बट अभी अकॉर्डिंग टू दिस रिवाइज सिलेबस द नेम ऑफ द चैप्टर हैज चेंज्ड. कंटेंट आपका सेम है ना. कंटेंट सेम नहीं है. देखो इसी में ये जो ये है, दिस इज योर चैप्टर 5, और इसी में वो चैप्टर जो एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस है वो इसमें इंक्लूड हो गया है ना. हमने एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस का जितना भी पढ़ना था उसको हम लोग कर चुके हैं, है ना. तो वी हैव डन अप टू द थर्ड जनरल इलेक्शन. ठीक है, थर्ड जनरल इलेक्शन. फर्स्ट हुआ 1952, सेकेंड 1957 और थर्ड होता है 1962 में. तो हमने 1962 तक के इलेक्शन को हम कर चुके हैं. उसके इलेक्शन तक में रिजल्ट्स को देख चुके हैं. और जो ये कहता है कि ये एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस था, बिकॉज कांग्रेस का जो कंडीशन था, कांग्रेस सिस्टम प्रिवेल कर रहा था, जिसमें कि कांग्रेस वाज नॉट ओनली प्लेइंग द रोल ऑफ द रूलिंग पार्टी बट ऑल्सो द अपोजिशन. ठीक है, यहाँ तक हमारा हो गया है उस चैप्टर से. वो अब इसी चैप्टर के अंदर है, बट हमने उसको स्प्लिट कर दिया है, अलग ही रहने दिया है. वो आपका पेपर हो गया है, इसको अब हमें करने की जरूरत नहीं है अभी इस पेपर के लिए. आरटी के हिसाब से अगर हम देखें तो ठीक है. तो अब हमको क्या करना है, अब हमें करना है फोर्थ जनरल इलेक्शन. फोर्थ जनरल इलेक्शंस जो होते हैं वो होता है 1967 में. उसके रिजल्ट को देखेंगे और फिर जो इलेक्शन होता है इसमें स्टेट्स में. ठीक है, तो फोर्थ जनरल इलेक्शन 1967 में हुआ और स्टेट्स के इलेक्शन भी साइमल्टेनियस हुए थे. लेकिन 1970 में जो इलेक्शंस हुए उसमें क्या हुआ कि पहले सेंटर का इलेक्शन हो गया था 1970 में, फिफ्थ जनरल इलेक्शन. इन्हीं दो इलेक्शंस को हमें इस चैप्टर में पढ़ना है. ठीक है, फिफ्थ जनरल इलेक्शन विच हेल्ड इन द ईयर 1970, और इसके अलावा जो स्टेट इलेक्शंस थे जो कि 1971 में हुए, इनके रिजल्ट्स को ही हमें देखते हुए ये पूरा जो पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम इन इंडिया है वो देखना है. तो ओनली द नेम इज डिफरेंट, कंटेंट इज सेम, है ना. कंटेंट में कोई इसमें कुछ भी नया नहीं है. नथिंग इज न्यू, एवरीथिंग इज अकॉर्डिंग टू द ओल्ड चैप्टर. बस वही कंटेंट है इसमें. आपका रेफरेंस मटीरियल में भी कुछ भी नहीं ऐड हुआ है. यस yes, हाँ, इसके बाद वाले चैप्टर में ऐड हुआ है. इसमें कुछ भी न्यू ऐड नहीं हुआ है. बस इसमें आपको चीजों को समझना है. तो जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस इस चैप्टर से आए हैं, चैलेंजेस ऑफ द कांग्रेस टू द कांग्रेस सिस्टम, उसी को हम लोग कंसिडर करेंगे. ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के अंदर. इस चैप्टर में जो एक इवेंट सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट है, दैट इज स्प्लिट इन द कांग्रेस. कांग्रेस स्प्लिट हो जाती है, कांग्रेस ओ एंड कांग्रेस आर में. उस और वो क्यों स्प्लिट होती है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ 1969, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, जिससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हैं. ठीक है, तो अभी हम लोग उन्हीं क्वेश्चंस पर फोकस करेंगे, उसी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ 1969 एंड द स्प्लिट इन द कांग्रेस. ओके, तो इसमें हम लोग देखेंगे जो एक क्वेश्चन आपका है, इट केम इन द ईयर 2014 दिल्ली, हु रिप्रेजेंट कांग्रेस ओ एंड कांग्रेस आर आफ्टर द स्प्लिट ऑफ द कांग्रेस पार्टी. कांग्रेस पार्टी के स्प्लिट के बाद कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर कौन रिप्रेजेंट कर रहा था. सो कांग्रेस ओ इज कांग्रेस सिंडिकेट, जिसमें कि इन्फ्लुएंशियल लीडर्स थे, सीनियर लीडर्स थे, और कांग्रेस आर जो कि इंदिरा गांधी की पार्टी थी. ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है. क्वेश्चन इज हु रिप्रेजेंट
डिजाइन के। कांग्रेस ओ एंड कांग्रेस आर आफ्टर द स्प्लिट ऑफ द कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस ओ जो है वो सिंडिकेट को रिप्रेजेंट कर रहा था, और कांग्रेस आर जो है वो इंदिरा गांधी को रिप्रेजेंट कर रहा था। ठीक है, ये क्वेश्चन आया है दिल्ली 2014 और ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। ओके, अब इसी से मिलता जुलता एक फिर से क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय कांग्रेस सिंडिकेट। कांग्रेस सिंडिकेट से आप क्या मीन करते हैं? कांग्रेस सिंडिकेट जो है वो कांग्रेस के सीनियर और इन्फ्लुएंशियल लीडर्स को रिप्रेजेंट करता है। ओके, सो दैट विल बी योर आंसर। द क्वेश्चन इज व्हाट इज मेंट बाय कांग्रेस सिंडिकेट। ये क्वेश्चन 1 मार्क का है जो कि आया है ऑल इंडिया 2010। 1 मार्क ओके, सो द आंसर इज पावरफुल इन्फ्लुएंशियल एंड सीनियर लीडर्स फ्रॉम विद इन द कांग्रेस। ओके, तो ये हमारा सिंडिकेट है और फिर हम देखेंगे दिस इज ऑल्सो अ 1 मार्क क्वेश्चन विच केम इन द ईयर ऑल 2013 ऑल इंडिया। द क्वेश्चन इज नेम द टू मेन कंटेंडर्स हु कंटेस्टेड द इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1969 में जिन्होंने प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कंटेस्ट किया था, उन दोनों जो कंटेस्टेंट्स थे उनका नाम। ठीक है, द क्वेश्चन इज नेम द टू मेन कंटेंडर्स contested who
contested the election for the post of President of India in 1969. Okay, so this question came in All India 2013. Okay, now what was the answer? The answer is B.V. Giri and Neelam Sanjeeva Reddy. है ना, आंसर आपका क्या है? आंसर है वीवी गिरी एंड नीलम संजीवा रेड्डी. वीवी गिरी ओके. So this is also one mark question. Okay. And now there is another question. So now there is this is the most important question. Explain any three causes of the split in the Congress in 1969. में Congress में जो split हुआ उसके तीन reasons पूछे जा रहे हैं. ये All India 2015 का question है. Then similar question is there. Examine the three main reasons responsible for the split in the Congress party during 1969. This question also came in the year 2014 Delhi. Then examine the major issue which led to the split of Congress party. It came again in 2014. Continuously 14 में 15 में आया हुआ है. Examine any six factors which were responsible for the split of the Congress in 1969. This question also came in the year 2011 All India, 2008 All India. Explain the major issues which were responsible for the formal split of the Congress party in the year 1969. So all these questions are similar in content and this is a 6 marks question. तो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है. क्वेश्चन इज एक्सप्लेन इन थ्री कॉसेस of the split in the Congress party. Okay. In 1969. It's a 6 marks question and it came in All India 2015. And likewise in Delhi also. It came in the year 2014. Okay, so it's a very important question for you. यहाँ पर हमें three causes बताने हैं for this split in the Congress. तो जो Congress के split के लिए अगर हम देखें तो जो process थी वो बहुत पहले ही start हो चुकी थी. 1967 में ही start हो गई थी. इंदिरा गांधी
को जो प्राइम मिनिस्टर मोरारजी आफ्टर द डेथ ऑफ लाल बहादुर शास्त्री क्या हुआ, ये हुआ कि प्राइम मिनिस्टर के लिए कौन बनेगा प्राइम मिनिस्टर, इसके लिए इलेक्शन हुआ था, है ना, जिसमें मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी जो थे वो कंटेस्ट किए थे उस इलेक्शन को, और इस इलेक्शन में इंदिरा गांधी जीत गई थी और तब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी। इसके पीछे इसके लिए भी क्वेश्चन सेपरेटली क्वेश्चन होता है, दो नंबर का आया हुआ है ये क्वेश्चन कि क्यों इंदिरा गांधी कैसे क्यों जीत गई, क्यों जिताया गया उनको। एक्चुअली द लीडर्स ऑफ द कांग्रेस एक्चुअली दे वांटेड दैट दैट मिसेस गांधी शुड बिकम द प्राइम मिनिस्टर, नॉट मोरारजी देसाई। देयर इज रीजन बिहाइंड इट बिकॉज दे वर ऑफ द ओपिनियन दैट मिसेस गांधी इज नॉट हैविंग सो मच एक्सपीरियंस, पॉलिटिकल एक्सपीरियंस नहीं था उनको, ज़्यादा कम एज कम था, एक्सपीरियंस कम था, मोर ओवर फीमेल थी, तो दे थॉट कि दे विल बी एबल टू कंट्रोल हर, एक तरह का रिमोट कंट्रोल्ड प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगी वो, और मोरारजी देसाई विल नॉट बी इन देयर कंट्रोल, इन द कंट्रोल ऑफ द दैट इन्फ्लुएंशियल लीडर्स, द पावरफुल लीडर्स विच इज कॉल्ड सिंडिकेट, है ना। तो ये ऐसा सोचा जा रहा था और इसीलिए इंदिरा गांधी को ही सबने, मतलब जो भी इन्फ्लुएंशियल लीडर्स थे उन्होंने वोट दिया और इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बन जाती है। बट वॉट हैपन्स आफ्टर बिकमिंग प्राइम मिनिस्टर वॉज एग्जैक्टली डिफरेंट। इंदिरा गांधी जो थी वो उन्होंने अपने पावर को असर्ट करना स्टार्ट कर दिया और जनवरी 1966 में तो लाल बहादुर शास्त्री का डेथ होता है और उसके बाद इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनती है और एक साल के अंदर अंदर ही उनको इलेक्शन आ जाता है, फोर्थ जनरल इलेक्शन, और फोर्थ जनरल इलेक्शन का रिजल्ट बहुत ही, इसको पॉलिटिकल अर्थक्वेक कहा जाता है, इसमें भी एक क्वेश्चन होता है ना, पॉलिटिकल अर्थक्वेक कहा गया क्यों, क्योंकि इसने पूरी उथल पुथल मचा दी। अभी तक जो थ्री जनरल इलेक्शन हुए थे वहां तक में हम देख रहे हैं कि कांग्रेस का डोमिनेंस बहुत बुरी तरह का डोमिनेंस था, 360 से ज्यादा सीट्स जीत रहा था कांग्रेस 494-495 में, तो ये पोजीशन से वो नीचे गिर जाता है इन फोर्थ जनरल इलेक्शन, और वहां पर हम क्या देखते हैं कि उसकी वो डोमिनेंस जो अभी तक हम फील कर रहे थे अप टू द थर्ड जनरल इलेक्शन, वो डोमिनेंस अब नहीं रह जाता है, मेजोरिटी मिल जाती है, इट्स नॉट समथिंग कि इट वाज नॉट एबल टू विन द मेजोरिटी ऑफ द सीट्स, मेजोरिटी ऑफ द सीट्स मिल जाती है, गवर्नमेंट फॉर्म हो जाता है, बट व्हाट हैपेंस कि सीट्स बहुत कम है पहले की तुलना में और बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट लीडर्स थे वो इलेक्शंस हार जाते हैं 67 का, तो उसके अलावा स्टेट्स में इनकी कंडीशन बहुत ही खराब हो जाती है जहां पर कि कांग्रेस गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर पाती, ऐसे 9 स्टेट्स होते हैं, तो ये चीजें सामने आ चुकी थी। और 1967 के बाद के इलेक्शन के बाद इंदिरा गांधी ने अपनी स्ट्रेटजी में बहुत सारे चेंजेस लाए, इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट उनका था वो था 10-point प्रोग्राम फॉर द पॉवर्टी, फॉर पॉवर्टी एलिवेशन, है ना, गरीबी हटाओ, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम जो उन्होंने चलाया, 10-point प्रोग्राम स्टार्ट किया 1967 में, दैट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट हैज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट ऑन द पीपल ऑफ द कंट्री। और ऐसे ऐसे इन्होंने जो कांग्रेस का जो सोशलिस्ट नेचर था उसको उन्होंने सबसे ज्यादा यूटिलाइज किया। सोशलिज्म का मतलब ही होता है ऑलवेज, वेन एवर वी टॉक ऑफ सोशलिज्म और कम्युनिज्म वी आर टॉकिंग अबाउट द पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, दैट मस्ट बी, मतलब इसमें कोई कंफ्यूजन आना ही नहीं है। जब भी हम सोशलिज्म की बात करेंगे तो हम जब भी हम कम्युनिज्म की बात करेंगे या सोशलिज्म की, बोथ आर सेम, हालांकि डिफरेंस है दोनों में, बट एट दिस लेवल यू डोंट गो इन दोज डिटेल्स कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म, यू जस्ट अंडरस्टैंड कि वेन एवर वी टॉक ऑफ कम्युनिज्म और सोशलिज्म इट इज फॉर द दैट पुअर सेक्शन। तो इंदिरा गांधी ने क्या किया कि अपने जो कांग्रेस पार्टी का जो सोशलिस्ट नेचर था ना उसको उन्होंने असर्ट करना स्टार्ट किया, दुनिया को ये दिखाना, लोगों को ये दिखाना कि हम सोशलिस्ट हैं, और बहुत सारे सोशलिस्ट मूव्स उन्होंने किए। व्हाट वर दीज सोशलिस्ट मूव, नेशनलाइजेशन ऑफ द बैंक्स, 14 banks का उन्होंने नेशनलाइजेशन किया, प्राइवेट बैंक्स थे, तो जब भी कोई चीज़ का प्राइवेटाइजेशन होता है ना, तो दैट इज
कंसिडर्ड एज एंटी पुअर एक्ट. और जब भी किसी चीज का नेशनलाइजेशन होता है तो दैट इज कंसिडर्ड एज प्रो पुअर एक्ट. तो इंदिरा गांधी ने जो किया वो पुअर जो थे हमारी कंट्री के उनको एक तरह से फुसलाया जा रहा था, वी कैन से इट. हालांकि उसके इम्पैक्ट अच्छे हुए, वी कैन से कि वो सिर्फ किसी तरह का फायदा लेने के लिए किया गया था. उन्होंने 14 बैंक्स का नेशनलाइजेशन किया जिसका इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी पे पुअर सेक्शन के लिए अच्छा हुआ. दैट वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्ट बाई मिसेज इंदिरा गांधी. इसी तरह से उन्होंने जनरल इंश्योरेंस का वो किया, नेशनलाइजेशन किया. देन अर्बन प्रॉपर्टी पर सीलिंग लगाई, ठीक है, इनकम पे सीलिंग लगाई गई. तो ये सारे जो इनके मूव्स हो रहे थे, लैंड रिफॉर्म्स भी इसी समय लाया गया, ठीक है. तो ये जो इनके मूव्स थे देवर ऑल डायरेक्टेड टूवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ द पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. एंड सबसे इम्पॉर्टेंट जो इनका एक्ट, इसी में एक और एक्ट है बहुत इम्पॉर्टेंट था, दैट वाज द एबॉलिशमेंट ऑफ प्रिवी पर्स. जो एक अलाउंस दिया जा रहा था हमारे प्रिंसली स्टेट्स के जो राजा थे उनको, ये कहा गया था एट द टाइम ऑफ मर्जर, जब उनको मर्ज किया गया था, इंटीग्रेशन हुआ था, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, है ना. तो उसी समय उनको एक एश्योरेंस दिया गया था कि उनकी जो उनका जितनी टेरिटरी है उसके प्रोपोर्शन में उनको अलाउंस दिया जाएगा पूरी जिंदगी के लिए, ये था, ठीक है. तो ये जो इसको, इसी को प्रिवी पर्स कहते हैं. ये प्रिवी पर्स जो था वो हालांकि प्रॉमिस तो किया गया था बट इट वाज अनडेमोक्रेटिक. एक डेमोक्रेसी के अंदर आप रॉयल फैमिली को पेंशन दे रहे हैं तो दैट इज अनडेमोक्रेटिक. हालांकि नेहरू वाज आल्सो नॉट इन फेवर ऑफ दिस प्रिवी पर्स बट एज प्रॉमिस वाज देयर, कमिटमेंट वाज देयर, तो उसको कंटिन्यू किया गया था. लेकिन इंदिरा गांधी जो थी वो इसकी बिल्कुल भी अगेंस्ट थी और यहाँ पर मोरारजी देसाई जो थी वो उसके फेवर में थे कि प्रिवी पर्स नहीं खत्म होना चाहिए. तो जब हम इस तरह का जो एक कांग्रेस के अंदर में ये एक मनमुटाव जो थी वो स्टार्ट हो चुकी थी और जैसा कि सोचा था कांग्रेस सिंडिकेट के लीडर्स ने कि हम इनको कंट्रोल में अपने ले लेंगे और ये पूरी तरह से हम अपने हिसाब से इनसे काम करवा लेंगे, वो एक पपेट टाइप ऑफ पीएम होंगी, रिमोट कंट्रोल पीएम होंगी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. बल्कि उन्होंने अपने ही कुछ एक ग्रुप तैयार कर लिया जो कि इस सिंडिकेट की बात को मानती ही नहीं थी. वो अपने हिसाब से अपना एक छोटा सा ग्रुप बना लिया और उसके हिसाब से उनका काम चलता था. तो ये चीज़ें हुई और इसी में प्रिवी पर्स वाला मैटर, 10-point प्रोग्राम आया, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स हुआ, जनरल इंश्योरेंस का नेशनलाइजेशन हुआ, लैंड रिफॉर्म्स आए, ये सारे प्रो पुअर मूव्स थे. और इसमें जो सिंडिकेट्स थे वो अपने आप को पीछे छूटता हुआ महसूस कर रहे थे. ना तो वो इंदिरा गांधी के साथ आ सकते थे, साथ वो नहीं दिखाएंगे कि हम आपके साथ हैं, आपके सोशलिस्ट मूव्स में हम आपके साथ हैं. तो उन्होंने विरोध करना स्टार्ट कर दिया. मोरारजी देसाई जैसे प्रिवी पर्स के लिए बिल्कुल ओपनली उन्होंने उसका विरोध किया. हालांकि प्रिवी पर्स को भी उन्होंने एंड करा दिया, काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी, काफ़ी सारे प्रोसेसेस हुए तब जाके वो एंड हुआ. तो लोगों के सामने क्या आ रहा है कि इंदिरा गांधी इज प्रो पुअर, हर मूव्स आर प्रो पुअर, बट सी इज नॉट गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम द सीनियर लीडर्स ऑफ द पार्टी. तो क्या होगा, लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं पूरी तरह से. और इसी में इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का 1969 में. और इस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जानबूझकर जो ऑफिशियल कैंडिडेट कांग्रेस का रखा गया वो रखा गया एन संजीवा रेड्डी को, जो कि उस समय लोकसभा के स्पीकर थे और जिनके साथ इंदिरा गांधी का टर्स रिलेशनशिप था, अच्छा रिलेशनशिप नहीं था, ठीक है. तो अब संजीवा रेड्डी बन गए ऑफिशियल कांग्रेस के कैंडिडेट और जिनका इंदिरा गांधी के साथ रिलेशन अच्छा नहीं था. और शायद ये जानबूझ के किया गया था ताकि जब नीलम संजीवा रेड्डी बन जाएंगे प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट, तो फिर ऑब्वियसली प्रेसिडेंट के पास कुछ डिस्क्रिशनरी पावर्स होते हैं, तो ही विल ऑब्स्ट्रक्ट द वर्किंग ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इन अ वे और अदर. अब इंदिरा गांधी ने क्या किया, इंदिरा गांधी ने क्या किया कि इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम. उन्होंने एक जो वाइस प्रेसिडेंट थे, ठीक है,
और उस वाइस प्रेसिडेंट का नाम था वीवी गिरी, क्योंकि अभी हमने देखा था, है ना, वीवी गिरी को उन्होंने एनकरेज किया कि आप नॉमिनेशन फाइल कर लिए प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के फॉर्म में आप नॉमिनेशन फाइल करिए, और इस तरह से दो कैंडिडेट हो गए, एक तो कांग्रेस का कैंडिडेट था नीलम संजीवा रेड्डी ऑफिशियल कैंडिडेट, और दूसरा कैंडिडेट जो कि इंडिपेंडेंटली खड़े हुए थे वीवी गिरी, दो ही वॉज नॉट अ कांग्रेस कैंडिडेट बट ही हैज द सपोर्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी, सो ही वॉज अनऑफिशियल कांग्रेस कैंडिडेट। ठीक है, अब एक तरफ ये हो रहा है, दूसरी तरफ सोशलिस्ट मूव्स उनके हो रहे हैं, तो ये जो सोशलिस्ट मूव्स उन्होंने लाए, सी वॉज वेरी मच श्योर कि जनता उनके साथ है, ऑब्वियसली लोगों को तो यही समझ में आ रहा है कि इंदिरा गांधी जो है वो वही तो पुअर के लिए इतना सब कुछ कर रही हैं, और वो अपने कैलकुलेशन में पूरी तरह से 100% सी वॉज राइट इन हर कैलकुलेशंस। और फिर क्या होता है जब इलेक्शन का टाइम आता है तो वो क्या कहती हैं, वो कहती हैं कि अच्छा हाँ, उस समय जब इलेक्शन होता है तो जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस वाज एस निजलिंगप्पा, यस एस निजलिंगप्पा, एस निजलिंगप्पा, ओके, ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। अब इन प्रेसिडेंट ने क्या कहा कि एक व्हिप इश्यू किया, व्हिप क्या होता है, यू ऑल मस्ट बी अवेयर, व्हिप होता है कि जो मेंबर्स होते हैं उनको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि आपको किसी पर्टिकुलर रिजोल्यूशन जो आना है पार्लियामेंट में उसके फेवर में आपको वोट देना है या उसके अगेंस्ट देना है, और कोई भी मेंबर अगर इस व्हिप के अगेंस्ट जाता है तो उसके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन किया जाता है, सिस्टम यही है, तरीका यही है। ठीक है, तो इसलिए निजलिंगप्पा ने व्हिप इशू कर दिया कि सबको किसको वोट देना है, नीलम संजीवा रेड्डी को ही वोट देना है जो कि पार्टी का ऑफिशियल कैंडिडेट था। ठीक है, अब दूसरी तरफ इंदिरा गांधी ने क्या किया, और इंदिरा गांधी के जो सपोर्टर्स थे उन्होंने एक स्पेशल मीटिंग के लिए AICC ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की एक स्पेशल मीटिंग, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की एक स्पेशल मीटिंग के लिए रिक्वेस्ट डाला। ठीक है, कि एक ऑफिशियल मीटिंग होनी चाहिए इलेक्शन के पहले, हो सकता है वो अपनी बातों को रखते व्हाटएवर, तो इलेक्शन का इसकी AICC की ऑफिशियल मीटिंग के लिए रिक्वेस्ट डाला, बट उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया गया। और तब क्या हुआ कि इंदिरा गांधी ने क्या कहा कि जो इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का उसमें ऑल द इलेक्टेड MPs एंड MLAs टेक पार्ट, तो उन्होंने सारे इलेक्टेड MPs और MLAs को ये कहा कि दे आर फ्री टू वोट अकॉर्डिंग टू देयर कंसाइन, आप अपनी अंतरात्मा के हिसाब से वोट दीजिए, यू आर फ्री टू वोट अकॉर्डिंग टू योर कंसाइन, इट मीन्स इट वॉज इम्प्लिसिट, इट वॉज हिडन दैट यू डोंट नीड टू फॉलो द व्हिप इश्यूड बाय एस निजलिंगप्पा, यू डोंट नीड टू वोट टू नीलम संजीवा रेड्डी, यू कैन वोट अकॉर्डिंग टू योर कंसाइन, सो यू कैन वोट टू वीवी गिरी, एंड ऑल द सपोर्टर्स, ऑल द कांग्रेस पार्टी वॉज नोइंग, ऑल द मेंबर्स वर नोइंग दैट वीवी गिरी हैज द सपोर्ट ऑफ इंदिरा गांधी। और इस तरह से इलेक्शन होता है, वोटिंग होती है, एंड व्हाट हैपेंस दैट कांग्रेस का ऑफिशियल कैंडिडेट हार जाता है एंड वीवी गिरी जीत जाते हैं। ये थी कांग्रेस के स्प्लिट की कहानी। इसी के साथ, इस जीत के साथ ही क्या होता है कि ऑफिशियल कैंडिडेट की डिफीट होती है, और इसी के साथ कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को एक्सपेल कर दिया, पार्टी से बाहर निकाल दिया, प्राइम मिनिस्टर को पार्टी से बाहर निकाल दिया गया। और तब वो क्लेम कर रहे हैं कि हमारी पार्टी जो है वो रियल कांग्रेस है। ठीक है, और इसके बाद ये स्प्लिट फॉर्मल हो गया, नवंबर 1969 आते आते बिल्कुल फॉर्मल हो गया, एक तरफ हमारा वो हो गया कांग्रेस ओ हो गया, वो ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि सीनियर लीडर्स थे, इन्फ्लुएंशियल लीडर्स थे, उनका कांग्रेस ओ बन गया, और ये कांग्रेस आर बन गया,
रिक्विजिशनिस्ट जिन्होंने रिक्वेस्ट किया था, रिक्विजिशन किया था कि पार्टी की एक बैठक होनी चाहिए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की, वो कांग्रेस आर कहलाई और इसके लीडर कौन थे? इंदिरा गांधी। इस तरह से कांग्रेस ओ एंड कांग्रेस आर। ओ हो गया, ओ से ऑर्गेनाइजेशन से ही आपको याद रखना है, बट ओल्ड पार्टी जो ओल्ड लीडर्स की पार्टी थी, और आर हो गया जो न्यू लीडर्स की पार्टी थी, ठीक है। और इसको इंदिरा गांधी ने इस तरह से प्रोजेक्ट किया कि ये जो स्प्लिट हुआ है दैट इज बिकॉज ऑफ आइडियोलॉजी, बिकॉज वी आर फॉलोइंग द आइडियोलॉजी ऑफ सोशलिज्म विच इज नॉट सपोर्टेड बाय द सीनियर लीडर्स ऑफ द कांग्रेस एंड दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ दिस आइडियोलॉजिकल रिफ्ट। दे आर कंजर्वेटिव, दे वॉन्ट टू रिटेन द पावर्स इन द हैंड्स ऑफ द फ्यू पीपल, इन द हैंड्स ऑफ द लैंडलॉर्ड्स, इन द हैंड्स ऑफ द रॉयल फैमिली। तो इस तरह से चीजों को सामने रखा गया जिससे कि जनता का जो सपोर्ट था वो पड़ता गया टुवर्ड्स इंदिरा गांधी। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। इसके जो पॉइंट्स उसको हम लोग समराइज करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको सही ढंग से समझना और लिखना दोनों इंपॉर्टेंट है। सो वी विल डू इट इन द नेक्स्ट क्लास।